ये जगह ऐसी है, यहाँ पे आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। कुछ कुछ होता है, क्या करूँ मैं। हाय, कुछ चीज़ चाहिए। योर मदर एंड योर सिस्टर? योर सिस्टर भाई, दे देखो बंदूक, सबके पास बंदूक मिल जाएगी आपको। यहाँ पे चद्दर लगा रखी एक, कि मैं इसको खोलना नहीं चाहता। ये ऐसे लगता है अलग ही दुनिया में आ गए, हम धरती पे है ही नहीं, इसीलिए इसको दुनिया की सबसे हॉटेस्ट जगह कहा जाता है। सो गाइज, ये जो सीरीज है ना, ये थ्री भाई बहुत जबरदस्त सीरीज होने वाले है। इस सीरीज में मैं आपको लेके चलूंगा जो दुनिया की सबसे गर्म जगह है, दानाकिल डिप्रेशन। तो यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लेता है कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को। तो चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ दानाकिल डिप्रेशन। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ इथियोपिया के नॉर्थ पार्ट में, एक समेरा नाम से टाउन है वहाँ पे। और आज हम लोग जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे हॉटेस्ट जगह है, आप लोगों ने सुना होगा दानाकिल डिप्रेशन, अफार डेजर्ट। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ये लगभग हमारा 3 दिन का ट्रिप होने वाला है। अभी हमें इथियोपिया से, सॉरी अडिस अबाबा से लगभग 600 किलोमीटर दूर समेरा सिटी में, और आज हम लोग जा रहे हैं अफार डेजर्ट को घूमने। वहाँ पे सॉल्ट लेक है, उनको भी घूमेंगे। और सबसे पहला ऐसा कहा जाता है कि इंसान की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। अभी मैं मेरे होटल में हूँ, ये मैंने अभी चेकआउट कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं चेकआउट करने से पहले सारे बिस्तर ऐसे अस्त व्यस्त कर देता हूँ कि बिस्तरों में कुछ रह नहीं जाए। तो अभी मैं चलता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर सीधा निकलेंगे हम लोग। तीन लोगों का ग्रुप है हमारा, तो अभी उस ग्रुप से भी मिलवाता हूँ आप लोगों को। और ये होटल है ना भाई, ये बहुत बड़ा होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है। ये जो ये समेरा जो जगह है ना, यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी होटल है यहाँ पे। ये देखो आप, वो उधर से वो पूरा बहुत आगे तक है, ये इधर चले जाओ, उधर भी आगे तक चले जाओ और इधर चले जाओ, ये है मेन जो बाहर जाने का रास्ता, ये इस होटल का। काफ़ी बड़ी होटल है, इसका ज़्यादा प्राइस नहीं था रूम का, 1500 बिट था। वेलकम टू समारा, यहाँ पे इन्होंने होटल में बोर्ड लगा रखा है वेलकम टू समारा। सो हमारे ग्रुप में, हाय उडी, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? या आई एम टू गुड। सो आज उडी भी मेरे साथ जा रहे हैं अफार डेजर्ट विजिट करने, और हम लोग अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में क्या क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, बस ये ब्रेड है, ये जूस है पपाया जूस, और बाकी कुछ भी नहीं पता और बाकी क्या है। तो यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी हम लोग समारा से निकलेंगे और आज हम लोग जा रहे हैं इसेले लेक को घूमने। वहाँ पे साल्ट माइनिंग होती है, तो अभी हम लोग इसीले लेक को घूमने चलते हैं। हम 3 लोगों का ग्रुप है, 3 लोगों में से हम लोग टूरिस्ट 3 है, एक इसराइल से है, एक मैं हूँ और एक ऑस्ट्रेलिया से है, और एक हमारा ड्राइवर होगा, एक हमारा कुक होगा और एक हमारा गाइड होगा। हम लोगों का 6 लोगों का ग्रुप होने वाला है ये आज। तो इस ट्रिप पे है जो ये काफ़ी ज़बरदस्त एडवेंचर होने जा रहा है। अभी आप लोगों को पता होगा जिस जगह हम लोग घूमने जा रहे हैं वो तिग्राई रीजन के पास में पड़ता है, और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। हर लोग है जो आपको गन्स के साथ दिखने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं आज बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर करने। और ये जहाँ हम होटल में रुके हैं वहाँ पे बाहर का व्यू कुछ ऐसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आपको लग रहा होगा यहाँ पे कुछ नहीं है और ये है हमारा होटल। अभी सुबह का लगभग 7:45 टाइम हो गया है, और ये 3 दिन का ट्रिप होने वाला है। 3 दिन में हम लोग काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं इस ट्रिप में। और ये 3 दिन के ट्रिप के लिए देखो हमने पूरा का पूरा गाड़ी पैक कर लिया है। ये देखो, ये है हमारा सिलेंडर, इसमें हमारे बर्तन, ये है हमारा बैगेज, ये पानी वानी सारा सब कुछ। 3 दिन में हम लोगों को कोई होटल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, केवल बाहर कैंपिंग करेंगे। और ये हम लोग खुद कुक करके हम लोग खाना खाने वाले हैं। ये भाई साहब है हमारे कुक, ये मुझे इंडियन खाना कुक करके देंगे। यू आर गोइंग टू कुक इंडियन फूड? यस यस, अरे श्योर श्योर, चपाती चपाती, राइस, यूरोपियन डिश समथिंग। और मीट माय गाइड सोलोमन। हाय सोलोमन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यू आर फाइन? सो यू आर फ्रॉम समारा? नमस्ते इंडिया। नमस्ते। और ये है हमारे गाइड, गाइड नहीं सॉरी ड्राइवर, पप्पी। हाय पप्पी, मींस माय नेम इज पप्पी। या हाय हाय, हाउ आर यू? गुड। सो भाई जबरदस्त एडवेंचर, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, क्या करूं मैं। हाय, कुछ चीजें चाहिए मेरी जिंदगी, हरम जिंदगी। नमस्ते नमस्ते।
सारे के सारे मस्त बंदे हैं, एडवेंचर में जबरदस्त मजा आने वाला है, देखते हैं। अभी हम लोग है जो पूरा का पूरा वॉल्केनिक एरिया है वहाँ पे एंटर कर गए हैं, और भाई यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे बस ये ऐसा पूरा का पूरा डेजर्ट मिलेगा, पत्थर मिलेगा, ऐसे ब्लैक कलर का ये पूरा वॉल्केनिक है, जो वॉल्केनिक टाइप के पत्थर देखने को मिलेंगे आपको, ये पहाड़ देखने को मिलेंगे। और ये आप लोग इमेजिन कर सकते हैं ये लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पे यार, कैसे ये लोग सर्वाइव करते होंगे। और अभी हम लोग सुबह लगभग 8 बजे से चले थे और अभी लगभग सुबह का हो गया 10:30 टाइम हो गया, और हमारी गाड़ी यहाँ पे आके ख़राब हुई है। ये देखो भाई, ये गाड़ा हमारा एक कचाड़ा गाड़ी, इनको बैटरी एक्स्ट्रा में लेनी थी, यहाँ पे आके हमारी गाड़ी ख़राब हुई। हाय, हाउ आर यू? गुड, आई एम फ्रॉम इंडिया। और ये गाड़ी यार यहाँ पे आके ख़राब हुई है, यहाँ पे आके गाड़ी ने धोखा दिया है। पता नहीं कब स्टार्ट होगी गाड़ी। इट्स ओके, यस ओके, इट्स ओके, ओके, सॉरी द क्लैंप ऑफ बैटरी, ओके ओके, वी विल फिक्स इट, यू विल फिक्स इट, या ओके, श्योर श्योर, गुड गुड, मैकेनिक, या वी हैव एवरीथिंग, वी हैव संते कुक आल्सो, या ही इज ऑल राउंडर, और यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे चेक पोस्ट अभी हम लोग है ना, अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वार वगैरह चलता रहता है, यहाँ पे हर जगह चेक पोस्ट मिलेगा आप लोगों को, हर छोटी छोटी दूरी पे, थोड़े थोड़े 2-4 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर पे हर जगह चेक पोस्ट मिलने वाला है यहाँ पे आपको। और अभी हम लोग जो आप लोगों ने सुना होगा इथियोपिया में है, जो तिग्राई रीजन है वहाँ से पास में ही है, वहाँ पे यहाँ पे हर किसी के पास आपको राइफल मिलेगी। और तिग्राई रीजन में कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है, पिछले शायद 2-3 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तिग्राई रीजन में। दे आर फिक्सिंग इट, Yeah, nice to meet you. I think you should tell your readers that the most important thing when traveling is to get a car that's in very good mechanical shape. That's the number one rule. Yeah. I traveled all through South America, you know, all the way to the end of Tierra del Fuego. And the rule number one was to find a car that's in good mechanical condition. Yes. That's the main important thing. And the second thing is to find nice fellow travelers. Yeah. So you feel good and you learn from them. I've been to 70 countries and more than 70 countries. Wow, I've never been to India yet, so I really come to India. Exactly, that's why I'm glad I met you, because yeah, you're gonna give come me to a lot India. Of contacts. Yes, sure, sure, sure. कल मैं था एडिस अबाबा में, वहाँ एकदम से जबर सर्दी थी, मैंने ना लिया कोल्ड पानी से जो शावर ले लिया, गला बैठ गया। और यहाँ पे है जो बिल्कुल इतना गर्म, इतना हॉट है, बाकी इस दुनिया की सबसे हॉटेस्ट जगह है यहाँ पे, आपको 50 डिग्री 52 डिग्री 48 डिग्री के लगभग टेम्परेचर मिलेगा। नॉर्मल इंसान के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। हेलो, वो लौंडे वो भग गए मेरे को देखते ही। और जो अभी आप बंदे से, अभी जो बंदा था वो से ऑस्ट्रिया से है, वो लगभग 70 कंट्री विजिट कर चुका है यार, उसको भी मेरी तरह ट्रेवलिंग का इतना जबरदस्त चस्का है, पूछो मत। और ये भाई कार हमारी फिक्स हो रही है, पप्पी है जो कार फिक्स कर रहा है भाई। उड़ी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गुड। इफ यू गेट स्टक देन वी विल सी, वी विल सी। हाय, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Oh my god. You are fine, thank you. Yeah. Nice to meet you. You know English? Hi. I can share. Okay. What is this? This is a meat. Meat? Ah. Which meat? This is a meat, you. Meat? Ah. I don't eat meat. Your home? You're not home. Your home? Yeah, you're Let's go. Let's go. ये भाई, ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि चल मेरे घर पे घुमा के लाता हूँ तेरे को। ये हमारी गाड़ी यहीं पे ख़राब हुई है, वो हमारी गाड़ी रही, और ये इस भाई का घर है, मैं घूम के आ जाता हूँ थोड़ा सा भी यहाँ पे, पता नहीं गाड़ी है जो कब तक ठीक होगी हमारी। और मेरे साथ दो बंदे और हैं, एक तो है इसराइल से उड़ी, और एक है ऑस्ट्रिया से। दिस इज योर होम? ये देखो, ये है इस छोटे से बच्चे का घर। योर फैमिली? योर फैमिली, गुड गुड गुड, nice to meet your family.
Hi. Your family? Your mother? Ah, your mother. Your mother? Ah. She's your mother. Oh, wow. And your sister? I am sister you. Your sister? And your brother? I am brother. Where is your brother? He is your brother. Oh. Hi. 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 I am my 10. You, yes. Yeah, yeah. Yeah, इस छोटू की सारी फैमिली यहीं पे, माँ बहन है, भाई है, सब यहीं पे. वो देखो हमारी गाड़ी है ना, वहाँ पे खराब होके खड़ी है. फिक्स्ड. पता नहीं कितना टाइम लगेगा भाई गाड़ी ऐसी जगह गाड़ी. चलो ये तो ठीक है, यहाँ पे थोड़े घर बाहर है, यहाँ पे गाड़ी खराब हुई है हमारी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं. बाकी ऐसे किसी डेजर्ट में गाड़ी खराब हो जाए और फिर देखो यार फिर. और ये यहाँ पे लोगों का घर है, कुछ ऐसा है. कभी किसी डेजर्ट में गाड़ी खराब हो जाए तो फिर क्या हाल हो भाई. यहाँ पे तो है जो, चलो ये थोड़ा सा गांव है, यहाँ से हमें वो देखो आगे हल्का सा वो थोड़ी सी बड़ा गांव दिख रहा है हमें. देखो आगे दिख रहा होगा आपको, ये कच्चे घर हैं, उधर थोड़े से पक्के घर देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को. थैंक यू बाय बाय, सी यू, बाय बाय, गुड बाय. आप चलते हैं यहाँ पे. छोटू को मैंने 200 बिट दिए हैं. मैंने बोला यार नेचर बहुत अच्छा है वो छोटू का, उसको 200 बिट दिए हैं मैंने. इंग्लिश भी बोल लेता है यहाँ पे, इस ऐसे डेजर्ट में इंग्लिश बोल लेता है वो. थोड़ी टूटी फूटी बोल रहा है लेकिन फिर भी ठीक है, काम चलाओ इंग्लिश बोल लेता है वो छोटू. पता नहीं कितना टाइम लगेगा गाड़ी फिक्स होने में. ओह माय गॉड, ये देखो हमारा सारा पूरा लगेज वगैरह इसमें पैक कर रखा हम लोगों ने. इसको बंद किए देता हूँ मैं. Fixed? Not? We'll fix it. Okay. और ये है यहाँ पे चेक पॉइंट. ये देखो ये जो भी गाड़ी आती है ना ये सब यहाँ पे रुक के जाती है, इन गाड़ियों को चेक करेंगे. ओह वो देखो यहाँ पे पूरा धूल उड़ रहा है यार जबरदस्त. अब वो उड़ किस वजह से रहा मुझे नहीं पता, अभी देखना पूरे गांव में धूल कर देगा बस. और यहाँ पे आसपास मुझे पूरे एरिया में बस ये दो पेड़ दिख रहे हैं. एक तो ये छोटा पेड़ उगा रहे हैं और एक ये बड़ा वाला पेड़ ये है. हाय भाई, दे देखो बंदूक, सबके पास बंदूक मिल जाएगी आपको यहाँ पे. और ये देखो इधर ये पूरा गांव है. ये लोंडा है ना बड़ा, आगे चल के ना ये पक्का गाइड बनेगा भाई. इसमें गाइड के ना पूरे स्किल्स है. यू विल बिकम गाइड. ये आगे चल के पक्का गाइड बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको अभी. व्हाट इज दिस? दिस इज, ये देखो यहाँ पे खाट बना रखी है इन लोगों ने छोटी सी. यू स्लीप हियर? स्लीप हियर? स्लीप माय थिंग. ओके. शायद रात में इस पे आराम फरमाते होंगे. ये देखो और वो देखो हमारी गाड़ी है ना धक्का लगा रहे हैं भाई. मुझे नहीं लगता वो स्टार्ट हो पाएगी. हो गई स्टार्ट हो गई भाई. चलते हैं अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है. गुड बाय. सी यू. सो गाइस अभी हम लोग आगे पहुंच गए हैं अब्देरा जो लेक है वहां पे. यहां से सोल्ट माइनिंग होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. और अभी आप लोगों को दिखाता हूं, ये देखो अब्देरा लेक, ये पूरी की पूरी आपको जो दिख रही है अब्देरा लेक है. और ये इधर ये है, यहां पे सोल्ट माइनिंग होती है. और आप लोगों को बस ये वोल्केनिक यहां पे पहाड़ मिलेंगे, वो देखो पूरे के पूरे पहाड़ बिल्कुल काले हैं. ये मेरी लाइफ का सबसे अलग एक्सपीरियंस है आज तक, ऐसा एक्सपीरियंस वोल्केनो वगैरह. यहाँ पे गर्मी इतनी, यदि आप एडिस अबाबा में देखोगे तो वहाँ पे इतनी सर्दी है, और यहाँ पे देखोगे ना तो गर्मी इतनी. यहाँ पे घूम पाना, यहाँ पे यदि आप आते हैं तो सफिशेंट मात्रा में वाटर लाना ज़रूरी है. पानी सफिशेंट मात्रा में लेके आए, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है इस एरिया में. और ये मुझे लगता है ये हमारी कार फिर से ख़राब हो गई है. यहाँ पे गलती से रोक दिया हम लोगों ने, लेक देखने के लिए हम लोगों ने कार रोकी है. तो ये मुझे लग रहा है ये भाई रहूँ करवा रहा है. तो ये लक्षण ऐसे ही लग रहे हैं भाई कि ये गाड़ी ख़राब हो गई है. तो यहाँ पे कोई अब्देरा सिटी है. सिटी आपको ये लगेगा अपने इंडिया के जो गांव है ना, गांव से भी थोड़ा सा क्या मानो बैकवर्ड ही मान लो, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है. और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं आज का लंच.
तो यहाँ पे हम लोग करने वाले अभी लंच और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे असाले लेक। हमें लास्ट डेस्टिनेशन वो आज का असाले लेक हमारा। You guys get the same food? You guys, the staff is getting the same food? Yeah, yeah. Okay, that's what you eat first, huh? Eat first. What is this? This not spicy. Yeah? Yeah, but what is it? It's onion. Onion. So we have spicy onion and non-spicy onion. Yeah. And then we have goat. Yeah. यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, ये राइस हो गए, ये यहाँ का अंजीरा हो गया, ये गोट, नो आई डोंट वांट टू ईट, ये गोट हो गया जो मैं खाऊंगा नहीं, मेरे को खाने के और राइस और ये प्याज की जो चटनी है बस वही। यहाँ पे अपना खाना पीना हो गया पूरा। गुड गुड गुड। हाय बेबी, हाय, हाउ आर यू। और ये देखो हम लोगों ने यहाँ से हमारी गाड़ी और ज्यादा लोड कर ली है, जो रात को काम आने वाला सामान है ना वो पूरा डल लिया है। देखो वो वहाँ पे आपको टेबल चेयर वगैरह सब दिखेगी। Hi Sante. Hi, hi. Yeah, you already finished. You have taken go, everything. Yeah, everything. Finished. Yeah. Oh, good bro. Mattress something. Finished. Very good, very good, very good. और ये अपडेरा जो सिटी है ना भाई, इसका नज़ारे कुछ ऐसे हैं। ये देख लो आप, अपडेरा सिटी है, ये सिटी है, इसको अपडेरा सिटी बोलते हैं। इसके बाजू में ये जो अपडेरा लेक है, और ये जो आपको यहाँ पे अपडेरा लेक है, अभी मैंने आपको अपडेरा लेक दिखाई थी, आगे भी अपडेरा लेक है। और ये जो ट्रक दिख रहे हैं ना, यहाँ से अपडेरा लेक से ये जो सॉल्ट ले जाते हैं, यहाँ पे सॉल्ट माइनिंग होती है, यहाँ पे जो भी सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसको इन ट्रकों में भर के अदर पार्ट्स में बेचते हैं यहाँ से। हाय, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल योर फुटबॉल भाई, ये जाएगा फुटबॉल 2030 का फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगा ये। और यहाँ पे देखो गाड़ी पे सामान ज्यादा लाद दिया है, ये हमारी टेबल कुर्सी है जो गाड़ी से नीचे गिर गई है। ओ पप्पी ब्रो, ओ यू लोडेड टू मच ऑन और कार। और ये देखो, ये पूरा का पूरा ये वोल्केनिक जगह है। यहाँ पे कई सालों पहले ना एक्टिव वोल्केनो हुआ करते थे। आप लोग देखो पूरा का पूरा काला है, यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो हुआ करते थे पूरे कई सालों पहले। और यहाँ पे जो लूसी का स्केलेटन है ना, वो भी यहीं पे मिला था। यहाँ से माना जाता है कि इंसान की उत्पत्ति यहीं से हुई थी, इथियोपिया के इस पार्ट से। और वाह, जबरदस्त अल्टीमेट जगह है यार। आप लोग देखो भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है आसपास, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, बस एक केवल वोल्केनिक ये पत्थर 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 मिलेगा। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, हाय उड़ी ब्रो, आई हैव हेडेक, ओ माय गॉड, टू मच। ये जगह ऐसी है, यहाँ पे आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा, वरना यहाँ पे सर्वाइव करना इतना मुश्किल। हाय ब्रो। और यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्म्ड गार्ड भी लिया है यार, मतलब ये है ना जो जगह है ना बहुत खतरनाक है भाई। मुझे लगता है ये वाला नहीं गिर जाए यार, इसमें हमारे गत्ते वत्ते पड़े हैं सोने के लिए। आज रात को हम बाहर ही कैंपिंग करने वाले हैं। सुबह से चले हैं, सुबह के 8 बजे से चले हैं और अभी टाइम हो गया शाम का, 3 बज गया। अभी तक हम लोगों को जो असाले लेक जाना था अभी तक भी हम लोग नहीं पहुंचे। यहाँ पे रोड देखो, ये ऐसा रास्ता आ रहा है, तो इस रास्ते पे यहाँ से लाना बहुत काफ़ी मुश्किल है। और अब आपको ये जो दुनिया की सबसे हॉटेस्ट जगह है ना, यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ घर। यहाँ के लोग हैं जो यहाँ के घरों को ऑलरेडी लेफ्ट कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं यहाँ पे। ये देखो एक घर वो दिख रहा होगा आप लोगों को, एक घर वो दिख रहा और एक घर ये दिख रहा। अब इस घर के अंदर चल के देखता हूँ, देखिए यहाँ पे दिखता है क्या, क्योंकि यहाँ का लाइफ है ना वो इतना टफ है कि यहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकते आप लोग। यहाँ पे पानी खाना पीना कहाँ से लेके आओगे। मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि ये लोग जब पहले यहाँ पे रहते होंगे तब ये लोग कहाँ से लाते होंगे खाना पीना। ये देखो, ये है यहाँ पे एक घर बना हुआ है बहुत पहले का। ये जो वॉल्केनिक पत्थर है ना, उन्हीं से ये घर बनाया गया है। और ऊपर है जो ये लकड़ियाँ डाल के छत बनाई गई है इसमें। वैसे बारिश के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सहारा रहता होगा। अंदर से दिखाता हूँ आप लोगों को, अंदर है क्या कुछ, बंद कर रखा है भाई। ये देखो, ये अंदर से कुछ ऐसा है, ये घर बंद कर रखा है, इसको ये लगा रखा, मैं इसको खोलना नहीं चाहता। ये चद्दर लगा रखी, एक टिन लगा रखी है, मैं इसको खोलना नहीं चाहता।
ये ऐसे लगता है अलग ही दुनिया में आ गए, हम धरती पे है ही नहीं, ऐसे लगता है कहीं मार्स वार्स किसी दूसरे ग्रह पे हैं हम लोग। देखो आप लोग, कुछ दिखता है आप लोगों को यहाँ पे? आप लोगों को ऐसे लग ही नहीं रहा होगा कि धरती पे इस लैंड पे भी ऐसा कुछ मंजर हो सकता है। गाइस सुबह के चले हैं, सुबह 8 बजे निकले थे और शाम का लगभग 5:30 बज गया है। अब हम लोग हमडेला आके पहुंचे हैं। यहाँ से असाले लेक जाना है हमें, मुझे नहीं पता कब तक हम लोग असाले लेक, वैसे है तो यहाँ से पास में ये हमडेला गांव, कुछ गांव कुछ ऐसा ही। आप लोग देख लो यार यहाँ पे कैसे रहते होंगे ये लोग। नमस्ते नमस्ते। सो गाइस अभी यहाँ से हमें जाना है, पहले हमारा सामान उतारना है। हम आज रात को यहीं रुकने वाले हैं, पहले हम लोग सामान उतारेंगे, उसके बाद हम लोग असाले लेक को विजिट करने जाएंगे। ये देखो हम लोगों ने, ये क्या है, कद्दू है। अरे यार बैग की क्या हालत कर रखी है इन लोगों ने। ये कद्दू की सब्जी बनाएंगे हम लोग आज रात को। Hi Gadi, how are you? Excellent. I feel really great. I'm happy to be here. You know, with a few mechanical problems, but we made it, and we're happy to go to the lake. Yeah. Excitement is over now. See ya? Excitement is over. Yeah, I'm very excited about going to the lake and dipping in the ice cold water. Yeah, but it is getting dark. Well, I'm not afraid. We can't enjoy in dark. I know. Howdy. What do you think? Agree. We're so tired after this trip. Yeah. बहुत थके हुए बहुत हैं यार। I think we better secure our flashlights. You know where your flashlight is? I don't know. They have flashlights. Yeah. नींद आ जाए भाई। ये देखो हमारा खाने पीने का जुगाड़, सामान हम लोग ले जा रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ से एक आर्म्ड गार्ड लाना यहाँ पे जरूरी है। हम लोग एक आर्म्ड गार्ड लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पे रात में थोड़ा सा क्या है कि रिस्की एरिया रहता है, रिस्की एरिया है यहाँ पे, वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो यहाँ पे गार्ड का लाना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट सनसेट है जो होने को आया, होने को क्या, सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है और हम लोग असाले जो लेक है वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे पानी नहीं दिख रहा है, केवल नमक नमक सॉल्ट सॉल्ट दिख रहा है मुझे, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं असाले लेक। यहाँ पे अभी क्या है कि हवा उल्टी चल रही है, तो पानी उधर गया हुआ है, हवा इधर की आती है। तो आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पे नमक दिख रहा होगा आप लोगों को, ये नमक यहाँ तक है जो लेक का पानी आता है। वाओ, ये पूरा का पूरा नमक है। और अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये सी लेवल से लगभग 120 से 130 मीटर नीचे है। अब आप लोग सोच सकते हैं, मैं वहाँ पे था, कहाँ, अफगानिस्तान में था, वो सी लेवल से इतना ऊपर था, और यहाँ पे है जो सी लेवल से 120-130 मीटर नीचे है ये जगह। और यहाँ पे डे टाइम में ना जो टेम्परेचर होता है ना, वो लगभग 50-52 के लगभग पहुँच जाता है, इसीलिए इसको दुनिया की सबसे हॉटेस्ट जगह कहा जाता है। और वो हमने हमारी गाड़ी वहाँ पे कर दी है पार्क। उड़ी उड़ी जाए उड़ी ब्रदर। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जो पास में स्विमिंग पूल है, एक बहुत जबरदस्त वाला स्विमिंग पूल है, चलते हैं। और ये देखो पूरे डेजर्ट के बीच में यहाँ पे ये है स्विमिंग पूल, अमेजिंग भाई। कैन यू गो? आई डोंट नो स्विमिंग, अफ्रीका करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ इसमें नहाने।
ये देखो यार पानी इस डेजर्ट के बीच में, यहाँ पे पानी मिलना बिल्कुल पूरा का पूरा नामुमकिन सा लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी है। मैं खुद भाई सरप्राइज हूँ कि यहाँ पे पानी कैसे हो सकता है। ये पूरा का पूरा वाटर है ना, पानी है ना, ये सोल्टी है, आप लोग इसमें डूब नहीं सकते। मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, लेकिन फिर भी देख लो मैं बस इसमें बिना बस ऐसे ही बस तैर रहा हूँ इसमें। हाय सलमान, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गड्डी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो हमारी कल की रात सब लोगों की बहुत अच्छी निकली, ओनली ओडी को छोड़कर। ओडी को नींद नहीं आई ढंग से, और हम लोग है जो घोड़े बेच के सो रहे थे। लेकिन भाई पहले बड़े दिनों बाद ना बचपन में सोया करते थे ऐसी जगह पे, बाकी आज काफ़ी सालों बाद ऐसी जगह पे सोने का मौका मिला है यार। ये देखो वो हमारा गाइड सो रहा है, गाइड नहीं गार्ड। यहाँ पे उड़ी था, वहाँ पे गड्डी, यहाँ पे हमारा गाइड, और ये है हमारा अपना वाला बेड। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे, नहाएंगे धोएंगे, और आज दूसरी जगह निकलने का प्लान है। भाई क्या ज़बरदस्त, ये है असली एडवेंचर। सो गाइज, ये था इस वीडियो के बारे में। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है दुनिया की सबसे हॉटेस्ट जगह के बारे में। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे दालोल घूमने, दालोल एक जहाँ पे कलरफुल जगह, वो तो वहीं चल के बताऊँगा कि वहाँ पे आखिरकार वो कलरफुल क्यों दिखता है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।